हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का मैं प्लान बताता हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं सिटी पैलेस, एंड बिफोर दैट हम लोग एक रेस्टोरेंट जाएंगे। सो वी आर एट दिस प्लेस राइट नाउ, साई बाबा पराठा सेंटर। आप जब भी सिटी पैलेस आओगे ना, यहाँ पे जरूर विजिट करना। क्या पराठा देता है वो यार, क्या पराठा देता है। एंड वन थिंग ना, कभी भी आओगे ना तो सिटी पैलेस के हिसाब से सर्च मत करना गूगल मैप पे। अगर आप सर्च करें तो इंडियन आर्ट डेकोर या फिर ना जनक विलास, ये सर्च कीजिए। बिकॉज ना सिटी पैलेस के हम लोग भी आज कन्फ्यूज हो गए थे। दो एंट्री था वहाँ पे, तो दो यहाँ पे एक्चुअली तीन गेट्स हैं, पर लेकिन ना जो दो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। सो ये अच्छा रहेगा कि आप ना गूगल मैप सर्च करो करके ये दो प्लेस। तो हम ये जैसे सिटी पैलेस का गेट है ना, उसके पहले ही ये आता है। एंड यहाँ पे आओगे तो आलू पराठा तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत मस्त है। एंड प्राइजेस आर वेरी गुड टू, मतलब ये लोग ने प्राइस भी बहुत है ना बेसिक रखा, जो पहले था वैसे ही रखा हुआ है। सो करंटली वी आर इन सिटी पैलेस, जस्ट अभी एंटर किया है। यहाँ पे एंट्री फी है 300 रुपीज़। जो आप है ना, इसमें कैमरा इंक्लूडेड रहता है। अगर आपके पास कोई कैमरा, जैसे मैं अभी GoPro कैरी कर रहा हूँ, तो उधर इंक्लूसिव लिखा हुआ है। एंड यहाँ पार्किंग का हम लोग को कुछ चार्ज नहीं लिया है, तो 2 व्हीलर का कुछ चार्ज नहीं। 4 व्हीलर का इट इज़ 350, राइट? 250। हाँ, 250 250 चार्ज है। और भी यहाँ पे सर्विसेज, जैसे आपको बोट राइड करना है उसके भी वहाँ पे चार्जेस है वहाँ पे। एंड अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के लिए कैसा ना, आपको एक साइड फुटपाथ दिया हुआ है, वहीं से आपको एंटर करना करके। एंड यहाँ पे अंदर जाके ना, अभी हम लोग एक गाइड लेंगे, एंड दैट विल बी बेटर, बिकॉज वो हम लोग को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा अबाउट द प्लेस, क्या है यहाँ पे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेस, बिकॉज ये उदयपुर का हाईलाइट है, बेस्ट प्लेस, बस इतना बेस्ट प्लेस है। ये पैलेस भारत का सबसे बड़ा राजमहल है। चित्तौड़गढ़ में राजा उदय सिंह थे, उनको पन्ना धाई ने बचाया था। चित्तौड़गढ़ से राजा उदय सिंह आए, उन्होंने ये शहर बसाया। आप लोग पैलेस में आए, ये पीछे से आप लोग अंदर आए, ऐसा भी होटल बन गया श्रीनिवास। फतेह प्रकाश सिंह अभी के राजा रहते अरविंद सिंह जी मेवाड़। ये अभी राजा उनके घर का पिक्चर है, जहाँ पे राजा रहते हैं। उदयपुर में रहते हैं, फाउंटेन चालू रहता है, ऊपर लाइट चालू रहती है। That means ये पैलेस तीन में डिवाइडेड है, मतलब एक ये होटल है, एक में रहते हैं, और ये म्यूजियम है जिसमें आप लोग अभी है यहाँ पे। आप देखेंगे एक सीढ़ी बड़ी आएगी, एक छोटी आएगी। हाँ, आप लोग राजा है, राजा के महल में आए, हमला होता, सीढ़ियों पर तेल धोलते, मोती की माला राजा पहनते, तोड़ स्लिप हो जाए। बिल्कुल, ये लोग जब राजा की इतनी हाइट थी तो दरवाजा, आप राजा हो अंदर आए हो, आपको जय माता दी जय भवानी पासवर्ड यूज करना है, और आपका सर यहाँ झुक जाएगा, आपको सम्मान करना है। ओके, आप राजा के दुश्मन है, सिपाही खड़ा होगा, सर बैंड होगा, पर हमला होगा, आपका सर काट देंगे। ओके, आप सर बैंड करेंगे ना, आगे से काट। आप तलवार का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी के लिए छोटे गेट बना है। तो फिर बाद में ना राजा खुद कैसे ट्रैवल, जब उनका हाइट है, राजा के लिए शॉर्टकट रास्ते होते हैं। ओके, शॉर्टकट रास्ते जो बंद है अभी। बिल्कुल, उदय सिंह के नाम से एक झील बनाई, उदय सागर। फतेह सिंह के नाम से झील बनाई फतेह सागर, पर सीधी राजा उदय सिंह ने बसे, इसलिए हम लोग कहते ना उदयपुर। पांव आके वॉल पे टच होता, गेम ओवर हो जाता है। ओके, मतलब वो जो भी इस साइड ज्यादा खींच ले करके और पांव टच हो जाए तो लेफ्ट हाथी हारा, राइट वाला हाथी जीत। ओके, ऐसा। सो देखो, गेम ऐसा करके जो हाथी ने उसको दीवार तक खींच लिया तो वो हाथी जीत गया। पूरा गोल्ड का काम, दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, ये पूरा कांच से बना है, राइट? एंड ये जो अभी है ना, ये डोर देख रहे हो, ये सब है ना हाथी के दांत से बने, हाथी के दांत से बने, राइट? माय गॉड, ऊपर देखिए सेलिंग, देखिए इसकी। पर लोगों ने राजा का चेहरा था ये डैमेज कर दिया, मतलब ये पहले ऐसे एक्चुअली पहले इसके वो मिरर नहीं था, बट लेकिन लोगों ने आके डैमेज कर दिया। यार दिस इज वेरी बैड, बट लेकिन है ना, ये एक है ना होता ना एक हंटिंग करने जाते हैं। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, ये थोड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था। मैं दादे, मेरे को पता ना यहाँ पे कितने, व्हाट इज इट, हाउ मेनी बियर, हाँ कितने वालों यहाँ पे। अगर आप कभी भी उदयपुर आ रहे हो, ये कभी मिस मत करना। एंड आके ना, मैं बोलूँ गाइड जरूर लेना, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, वो आपको एक बेटर इन्फॉर्मेशन देगा, आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताएगा। जो मैं आप वो पहले वीडियो देख रहे थे, उसे मेरे को डिटेल से बताया, वो देखने से पता चलता कि पहले वो क्या था और क्या काम आता था करके, और कैसे लोग उसको यूज़ करते थे, एंड मतलब कहाँ कहाँ से चीज़ें आई हुई है यहाँ पे। एंड सबके अलग अलग टाइप के रूम थे, फिर बाद में उनका अलग अलग चीज़ बोलते ना, मिरर वाला था,
फिर बाद में चेयर्स वगैरह, अब देख के ना एकदम खुशी हो जाओगे वो सब चीज़ें। एंड वो सब चीज़ें ना जब वो गाइड बताता ना तो आपको और समझ में आता है ओके ये रीज़न था वो। एंड जैसे आप बाहर निकलोगे ना उसके बाद यहाँ पे बाहर ना स्टोर्स हैं, फिर देयर इज़ अ रेस्टोरेंट टू, अगर चाहो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, इट्स अ गुड वन। एंड देन बस एग्जिट कीजिए, दैट्स इट, दैट वाज सिटी पैलेस। जा रहे बाहुबली, कल आफ्टर सिटी पैलेस इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हम लोग कहीं और जाए बिकॉज थक गए थोड़े से, एंड आफ्टर तो शाम हो गया था तो इसके लिए जा नहीं पाए। आज हम लोग जब बाहुबली, एंड कल हम लोग को ना कुछ बहुत से लोग मिले थे, तो आज हम लोग सबों ने प्लान किया एंड सब साथ में जाके ना बाहुबली पॉइंट जाए, तो मैं मिलता हूँ आपको बाहुबली पॉइंट में, वहाँ पर आपको व्यू दिखाता हूँ। इट इज समथिंग डिफरेंट है, इट इज़ लाइक अ क्रेजी माउंटेन्स जो व्यू है ना, मैं वहाँ पर जाकर बताता हूँ। जब भी आप बाहुबली पॉइंट जा रहे हैं उसके पहले ग्रामपुरा करके एक चौक आते हैं, उसके पास एक रेस्टोरेंट है आनंद रेस्टोरेंट करके, अमेजिंग पोहा। अब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ना भाई वो बहुत सही जगह, पोहे समोसे बहुत क्रेजी। वी हैव अ क्रेजी लक टुडे। आज हम लोगों ने पता नहीं कौन सा रास्ता लिया, हम लोग कुछ और रास्ता था पेट्रोल भराने के लिए, कोई और रास्ता लेना पड़ा एंड वहाँ से आगे कंटिन्यू किया। एंड अभी हम लोग ये एक ब्यूटिफुल लेक पे है, अभी आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस लेक यार, बट लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहाँ पे अभी प्री वेडिंग वगैरह, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड स्पॉट फॉर प्री वेडिंग। हाँ ये एक प्लेस है, दादेव को तो दादेव यहाँ से दिखेगा मैंने भाई, उसको सबर नहीं, गाड़ी जैसे रोकी वैसे तो भाग गया यार भाई इतनी जल्दी। अरे बाप रे बाप, मिताली बाय बाय। So this was Badi Lake, right? Yeah. Amazing place. यहाँ पे आओ करके any time of the day, आओ चल कर, it's very good. हाँ, हाँ कपड़े कैरी करो। अगर अगर आपको स्विम करना है तो कपड़े प्लीज कैरी करो, बिकॉज बहुत मजा आएगा यहाँ पे। एंड पानी भी ठीक ही है, गंदा वंदा भी नहीं है। अच्छा, एंड द व्यू इज क्रेजी। अपने को अभी जल्दी निकलना पड़ेगा, आप लोग सुबह के निकले पहुंचे नहीं बाहुबली पॉइंट। सो वी रीच बाहुबली पॉइंट ना। अभी यहाँ पे कैसा है कि अभी यहाँ कैसा है, पहले जो आगे पार्किंग था, अभी ये लोग ने अभी इनिशियल स्टार्ट पे उन्होंने पार्किंग अभी कर दिया। यहाँ पे यू हैव टू पार्क एंड अभी क्लाइम करना होगा। इट इज़ अ रियली डिफिकल्ट क्लाइम अप हियर। हाँ कोई भी यहाँ पे आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, जो आ सकते हो आओ करके, क्योंकि शूज पहनो। एंड सेकेंड थिंग इज चाहिए थोड़ा स्टेमिना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा अभी उन्होंने जो मेन रोड था पहले वो तो भी ठीक था, अभी डायरेक्ट स्ट्रेट क्लाइम है माउंटेन के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज अभी ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गया, बट लेकिन एक स्टॉप लिया है बिकॉज अदरवाइज और एक स्टॉप एंड आई विल फॉल आई गेस। वाओ, ये साइक्लोन है ना? हाँ। अरे वो चले जाएगा, अरे वो होता है ना।
सो दिस वॉज बाहुबली पॉइंट. इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज इन उदयपुर. यहाँ पे आप जब भी आ रहे हो ना, कम इन मॉर्निंग. यहाँ पे ठंडा भी रहता है करके, बट लेकिन समथिंग अराउंड 7-8 आइए तो दैट विल बी अ बेस्ट टाइम. जब भी आप आओगे तो इतना भी फॉग नहीं रहेगा, धीरे धीरे आप क्लियर हो जाएगा. आप यहाँ पे आराम से 1-2 घंटा बैठ सकते हो. जो व्यू है ना, माउंटेंस के पीछे माउंटेंस एंड वो लेक का व्यू, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल यार. अभी लेकिन कैसा है कि यहाँ पे देर इज़ वन प्लेस टू जहाँ पे आपको चाय वगैरह आपको चाहिए तो वो मिल सकता है. यहाँ पे आप आओगे ना तो शेड का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई शेड नहीं है तो कंटिन्यू धूप आते हुए. देर आर ओनली 2 places, जैसे वो जो रेस्टोरेंट छोटा सा पता ना दुकान जैसा है, एंड ये यहाँ पे एक ट्री है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो. दैट इज़ द ओनली प्लेस. बट लेकिन शाम में मत आइए, क्योंकि शाम में आओगे ना तो ये है ना, समझिए जंगल के बीच में ही करके. तो यहाँ पे आओगे तो रिटर्न जाते टाइम मे बी शायद देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई एनिमल वगैरह दिख जाए करके, तो शाम को आना अवॉइड करना. उससे अच्छा मॉर्निंग में आओ ये पूरा प्लेस देखो करके. इट इज़ ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल. अब एक पॉइंट पे ना, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इतना ट्रैफिक है, इतना आवाज़ है, एंड वही आप हाफ एन आवर कहीं पे आ गए. जैसे हम लोग फ्री साइड सज्जनगढ़ आए करके द मनसून पैलेस सनसेट के लिए, एंड रियली यार इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. एंड कितना पीस है यहाँ पे. अब बैठ के शांत ऐसे एकदम सिर्फ एक कुछ स्लो म्यूजिक बजा दो, बैठ रहो और देखो करके, देर इज़ नथिंग बेटर देन दैट. उदयपुर पीपल यू आर वेरी लकी, वेरी लकी यार. मैं अभी आपको ना सनसेट का ना टाइम लैप्स बताता हूँ. इट्स ब्यूटीफुल. करंटली मैं फतेह सागर लेट पे हूँ. मैं सुना था करके यहाँ पे शाम में आना है, यहाँ पे खाने वाने के स्टॉल्स आगे करते हैं. बल्डिंग फतेह सागर लेक बहुत बड़ा है. सो फॉर द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ना, यहाँ पे एक साई सागर कॉफ़ी एंड मोगा एक प्लेस है, वो सर्च किया एंड देन कम हियर. बट लेकिन मैं स्पेशली आया वो कॉफ़ी पीने को. सो मैं पहले देखता हूँ कॉफ़ी कैसा है एंड मैं आपको बताता हूँ. ट्राइंग द कॉफी नाउ. दिस इज कोल्ड एंड दिस इज हॉट विद आइसक्रीम. Actually, it's good. No, it is very good. Actually, what about the cool coffee? Sorry? Cool coffee कैसा? बहुत मस्त है. It is actually very good. यहाँ पे लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो कार लेके मत आना, बिकॉज यहाँ पे कार के लिए पार्किंग नहीं है. तो आप यहाँ पे आओगे तो फिर बाद में बाइक लेके आओ या फिर रिक्शा समवे आओ करके, तो आपके लिए बेटर रहेगा. वन लास्ट थिंग ये व्लॉग के लिए यार, है ना, मेरा ना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया यार. मतलब द फर्स्ट जब मैं गो शॉप से बात कर रहा था ना, तो यस मैं अभी भी वो वक्त पे रहता हूँ क्योंकि ये है ना, मतलब वो बैक पैकर्स का देखिए. बट लेकिन एक चीज़ है कि यार जो यहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है ना, मतलब ना जो मुझे लोग मिले उनके साथ में जो घूमा हो फिरा हो खेला हो करके, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना भाई, वो कभी ना आपको होटल वगैरह में तो नहीं मिल पाएगा. बट लेकिन कैसे है, फिर बाद में यहाँ पे ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है. बट लेकिन जो आप लोगों से मिलते हो ना, मैं कोई पर्सन वो जो नेपाल से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, फिर बाद में एक कश्मीर से बिलोंग करते हैं, बाकी सब बहुत महाराष्ट्र से ना अदर एंड ऑफ द कंट्री, उनसे मिला, उनसे बात किया यार. मतलब ऐसा लगता कितना कम जानते हैं हम लोग, कितना कम जानते हैं इंडिया के बारे में, वो प्लेसेस के बारे में या वहाँ के लोगों के बारे में. एंड ना ये जो या ऐसा जो है ना हॉस्टल वगैरह का ना, यही बेनिफिट है कि आप आओ एंड सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एज सब लोग बट मोस्ट ऑफ द पीपल कम देयर ना टू मतलब ना एक एन्जॉय करने, वो एक अलग वाइब में एन्जॉय करने के लिए, वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए. तो आप जैसे उनसे बात करते हो एंड वो लोग भी हैप्पीली आपसे बात करते हैं, एंड वो जो फीलिंग है ना, दैट इज़ समथिंग एल्स यार. मेरे को वो बहुत अच्छा लगा. सो दैट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.